हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल तस्मिया की दुनिया। तो फ्रेंड्स, आज हमारे किचन में क्या बन रहा है, आइए देखते हैं। बहुत ही चटपटा, स्पाइसी, टेस्टी सा टमाटर की एक ऐसी रेसिपी बना रही हूँ जिसको खाने के बाद आप इसके फैन हो जाएंगे। तो चलिए फिर इसको बनाने स्टार्ट करते हैं। मार्केट में टमाटर तो बहुत ही अच्छे अच्छे आ रहे हैं, एकदम लाल लाल, जिसको देखने के बाद यही होता है कि इसका क्या बनाया जाए। तो अगर आप लोग भी इसको खाना चाहेंगे तो वीडियो को पूरा देखें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फिर, यहाँ पे हमने 4 टमाटर ले लिया है। अब आप लोग ये सोचेंगे कि हमें तो 8 दिख रहे हैं, पर नहीं, सिर्फ हम 4 का ही बनाएंगे। तो हमने टमाटर को अच्छे से वॉश कर लिया है, और इसके ऊपर का जो साइड रहता है उसको हम निकाल देंगे, उसको अलग कर देंगे, और टमाटर को 2 या 3 पीस में ऐसे इस तरीके से कट कर लेंगे। कभी भी अगर आपके यहाँ आपकी पसंद की कोई भी सब्जी नहीं बनी है ना, तो आप इसको बनाकर खाइए, यकीन मानिए आप इसके दीवाने हो जाएंगे। तो आप लोग भी इसे जरूर ट्राई करिएगा। बनाना भी आसान है और खाने में इतना ज्यादा टेस्टी कि आप इसका टेस्ट बिल्कुल भी नहीं भूल पाएंगे। ये इतना ज्यादा मजे का बनता है। तो बस फटाफट से मैं इसको काट लूंगी, फिर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बनाते हैं। पहले हम रखेंगे एक पैन, उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा एकदम तेल, बहुत थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, 1 टीस्पून के करीब डालेंगे, और अच्छे से पैन पे पूरा फैला लेंगे। उसके बाद हम इस पे जो कटे हुए टमाटर हैं उसको हम रख देंगे। आंच को एकदम स्लो रखना है, बहुत तेज़ नहीं तो टमाटर हमारे जो हैं जल जाएंगे। धीमी आँच पर हमें इसे ढककर 2 मिनट के लिए पकाना है, सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के लिए, एकदम धीमी आँच पर। बस 2 मिनट बाद आइए चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे टमाटर एकदम सॉफ्ट हो गए हैं, इसके ऊपर का जो छिलका होता है ना, ये इस तरीके से थोड़ा सा सिकुड़ जाएगा। तो पहले हम एक बार इसको पलट देते हैं ताकि ये दोनों साइड से अच्छे से इसमें एक सोंधापन आ जाए, इसीलिए हम इसको धीमी आंच पे पका रहे हैं। ये गल भी जाएगा और इसमें एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा, सोंधापन जिसे बोलते हैं ना, वैसा। तो 2 से 3 मिनट हो गए हैं टमाटर को पकते हुए धीमी आंच पे, और ये छिलका देखिए आसानी से उतर जा रहा है। तो थोड़ी देर हमें इसे और पकाना है, 2 से 3 मिनट के लिए, उसके बाद हम इसे उतार लेंगे और ठंडा कर लेंगे। तो सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे कैमरा कुछ इस तरीके से हो गया था, तो बस कोई बात नहीं, गलती सबसे होती है। अब हम इसका छिलका आसानी से उतार पा रहे हैं, तो बस सारे छिलकों को हम निकाल देंगे। उसके बाद इसे 1 स्पून की हेल्प से ऐसे छोटा छोटे टुकड़ों में कर लेंगे, स्पून की हेल्प से या चाकू की हेल्प से या हाथ से, आप जैसा चाहें उसको ऐसे कर सकते हैं। तो छिलका आप देख सकते हैं कितनी आसानी से उतर जा रहा है, तो बस ऐसे ही हमें करना है। तो आप भी इसी तरीके से करिएगा, बहुत ही लाजवाब ये टमाटर को, जो आप इसे चटनी भी बोल सकते हैं, बहुत ही मज़े की बनती है। आप लोग इसे बनाइए, सब बहुत ही खुशी खुशी खाएंगे, सब्जी सारी भूल जाएंगे खाना अगर आप इस तरीके से इसको बनाएंगे। तो बस इसका छिलका निकाल लेंगे और इसे ऐसे इस तरीके से एक चाकू की हेल्प से हम इसे कूट लेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने मैश कर लिया है, अब चलते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। पैन में हम डालेंगे 2 टेबल स्पून भर के सरसों का तेल, सरसों के तेल में बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। उसके बाद हम इसमें लहसुन की कलियाँ कुछ डाल देंगे, 8 से 10 जैसे आपको पसंद हो, और 2 हरी मिर्ची, स्पाइसी वाली है ये, तीखी वाली हरी मिर्ची, बारीक बारीक करके इसको डाल देंगे धीमी आंच पे, हल्का सा सोंधापन आने तक इसको हम फ्राई कर लेंगे। उसके बाद इसको डाल देंगे इसमें इस तरीके से, ये बहुत ही लाजवाब बन के तैयार होता है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, 2-3 कली लहसुन को भी हम मैश कर देंगे, और इसमें हम डालेंगे 1 मीडियम साइज की बारीक कटी हुई प्याज, थोड़ी सी हरी धनिया, और इसमें हम डाल देंगे काला नमक टेस्ट के हिसाब से, 1/2 टीस्पून के करीब हम इसमें डाल देंगे चाट मसाला, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, और थोड़ा सा हम डालेंगे सादा नमक। इन सबको डालने के बाद हम अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद ये कुछ इस तरीके से बनके तैयार होगा। तो देखने में लग रहा है ना एकदम मज़ेदार, तो बस देखते ही इसको खाने का मन करने लगता है। तो चलिए इसको सर्व कर लेते हैं एक प्लेट में। आप इसे रोटी पराठों के साथ खाइए, बहुत ही मज़े का लगता है, आप इसे पाव के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करें, और चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।